अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायका टिप्स में मिस राना मनावर आपकी खिदमत में फिर एक दफा हाजिर है। आज आप बनाएंगे चिकन पुलाव, मजेदार सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए लिए हमने चावल, चार ग्लास चावल लिए हैं जो भिगो लिए मैंने, 1.5 kg चिकन वॉश करके रख लिया है, दही, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, मिक्स मसाला, प्याज, 2 प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज के, 2 टमाटर कट कर लिए, अदरक का पीस लिया वो कट कर लिए, सब्ज मिर्चें लिए हैं और ऑयल जौन सा भी आप यूज करना चाहें करें, और साल्ट लिया है। मोस्टली हम पिंक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पिंक सॉल्ट भी है। हसबे जायका डाल देंगे साथ साथ ना गलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव को करते हैं ऑन। देखते में हम डालेंगे ऑयल, सारा ही डाल लेते हैं ऑयल। इसमें डालेंगे हम प्याज, ब्राउन करेंगे, फिर मिलते हैं आपको प्याज ब्राउन करके। प्याज व्यूअर्स ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका कलर निकाल लेंगे। ऐसे चम्मच चलाएंगे तो कलर आ जाएगा इसका प्याज का। आप डालेंगे हम चिकन, चिकन का हम बोलेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, इसको खूब भुनेंगे सॉल्ट में, अभी भुनेंगे इनको ऑयल में अच्छी तरह भुनेंगे। सॉल्ट डाल के हमें थोड़ा सा भून लिया ताकि नमक जो है रच बच जाए बुटनों में। अब हम गोश्त की स्मेल को खत्म करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर भूनेंगे, 1-2 मिनट भूनते हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही, टमाटर, सब्ज मिर्चें और अदरक कटा हुआ, फिर भूनेंगे। बड़ा मजे का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। लहसुन अदरक के पेस्ट में जो मैंने पहले भुना है उससे स्मेल चली जाती है चिकन की बिल्कुल, और जो रह जाए को थोड़ी बहुत अगर कसर तो वो दही से अब चली जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे साबुत दालचीनी और ये काली मिर्च, जीरा, लौंग, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्चें, कोई बाजारी जो मसाले हैं वो नहीं डालेंगे हम बिल्कुल भी। पहले इसीलिए मैंने मसाले डाल दिए, जल जाते हैं। थोड़ा सा 1.5 में हम भूनेंगे। देखिए लाता लाता घी हो गया, भून गया बिल्कुल, घी ज्यादा ज्यादा हो गया, गोश्त बिल्कुल जो है ना भून गया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 4 ग्लास चावल के आपके ख्याल के मुताबिक 8 ग्लास पानी, 8 ग्लास पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, 1 घंटे से चावल भिगोए हुए हैं। हम 6 ग्लास पानी डालेंगे, 2 ग्लास कम। ये 6 ग्लास पानी डाल, अब हम डालेंगे नमक, एक स्पून डाल देते हैं और हम चख लेते हैं नमक, कमी बेशी हो डाल लें। इस टाइम नमक को हम चख
रख लेंगे। इस तरह भी बस आप थोड़ा सा लेके चख सकते हैं। नमक वगैरह कम बेची डाल दें, क्या हम चख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, पानी बॉयल होता है फिर चावल डालेंगे। बिल्कुल देखते हैं पानी हमारा बॉयल हो रहा है, अब हम डालेंगे इसमें चावल। बिस्मिल्लाह, जितनी देर हमारे चावल पकते हैं उतनी देर हम अपना किचन साफ करते हैं। साफ साफ बहुत छोटा सा मेरा किचन है, सर किचन साफ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ चावल। बस चावल हम देखते हैं दम हुए हैं कि नहीं, साथ साथ मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है। साथ साथ व्यूअर्स देखे मैंने किचन भी अपना साफ कर लिया, जो बर्तन मैंने यूज किए थे ये भी साथ साथ साफ कर रही हूँ। माशाल्लाह छोटा सा मेरा किचन है, ये बार बार साफ करना पड़ता है। चले मिलते हैं एक दो मिनट बाद। हम चावलों को दम लगा देंगे, आप फूड कलर भी तो यूज कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। ये थोड़ा सा मैंने लिया बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसे पानी में घोल के आप फूड कलर भी यूज कर सकते हो। चंद पत्ते हम डालेंगे ऊपर पुदीने के और दम दे देंगे। चावलों को हम देखते हैं, स्टोव को हम क्या कर देंगे स्लो कर देंगे 5 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चावल हम देखते हैं इंशाल्लाह बेहतरीन बने होंगे। माशाल्लाह खूबसूरत प्यारी खुशबू आ रही है। चावल हमारे रेडी हो गए हैं, स्टोव को ऑफ कर देते हैं। मजेदार सा चिकन पुलाव तैयार है, रायते के साथ लें, साथ कचूमर सलाद है, अचार के साथ भी आप खा सकते हैं। मेरी वीडियो को मेरी रेसिपी को व्यूअर्स लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।